तो हेलो भाई लोग, आज हम वापस से खेलने वाले हैं एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट। और एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में जो है आज जो बीट हम जो है लगाने वाले हैं, बहुत सारी बीट जो है मेरे पास पड़ी हुई। अभी आपको चैट बताता हूँ यार, बहुत सारी बीट पड़ी हुई, बीन बीट पड़ी है, बीट बीज है यार। मैं बार बार बीट को वीट बोल रहा हूँ, वीट को बीट बोल रहा हूँ यार। अरे कहना क्या चाहते हो? चेस्ट से जो है बीट के जो है सीड्स निकाल देते हैं, बहुत सारे सीड्स हैं यार, इनको उठाने में मतलब बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी हम जल्दी से जो उठाते हैं, और भाई इससे जो है पैसे भी बहुत मिलता है। पैसा ही पैसा होगा। आप कैसे मतलब आपको कैसे मिल सकता है ये बीट, सही है। तो फिर अभी हम जल्दी से जो है प्रेस को उठाते हैं सारे सीड्स को, और यह मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि मैंने इतने सारे सीड्स जो है कैसे किए। अगर आपको जो है एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में जो है फ्री में जो है चीज़ें डबल करनी है, तो फिर मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप लिखो क्या एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको वाली वीडियो नज़र आ जाएगी, तो वहाँ से देख लो। उसमें मैंने बताया कि भाई हाउ टू डुप्लीकेट थिंग्स इन एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट, मगर मतलब फ्री में हम जो है डुप्लीकेट कर सकते हो। तो जल्दी से खाना खा लिए, और भाई अब हम उछल पा रहे हैं पूरा। और जो आपको बराबर में जो लॉन नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो हम सारी बीट उगाने वाले हैं, मतलब बहुत मेहनत लगने वाली है बीट उगाने में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसी मज़ेदार मज़ेदार हिंदी में वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो जल्दी से अभी जो हम बीट लगाते हैं, और जो है बीट के सीड्स जो हैं वो रेड ब्लैक कलर के होते हैं, रेड क्यों बोल रहा हूँ, ब्लैक कलर के होते हैं। और जो है जिसने भी मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, उनको बताता चलूँ कि भाई ये जो आप लोन दिख रहे हैं, भाई ये बहुत बड़ा लोन है, और जो इसके अंदर मैंने मतलब पूरा फर्टिलाइज किया हुआ है, और ये मैं पहली बार जो है ये नहीं उगा रहा, और मैंने पहले भी वीट उगाई हुई है। तो अगर मैंने जिसने भी वीट वाली वीडियो चेकआउट नहीं की, जिसमें मैंने पाँच पाँच बार इन्वेंट्रिया भरी थी, तो क्यों हिला डाला ना, मतलब चैनल पे मौजूद है वो वीडियो, मतलब बहुत मेहनत लगती है यार वीट और इसको उगाने में यार, मतलब बहुत रुकना भी पड़ता है। इसी वजह से भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी मज़ेदार मज़ेदार कंटेंट वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो जल्दी से अभी हम जो है अपने जो बीट लगाने हैं, हमने जो है चार रोड्स लगा लिए हैं, अभी और भी रोज जो है वो कंप्लीट करनी है अभी हम। और आप सोच रहे होगे कि भाई हर जगह वाटर क्यों है, भाई वाटर इसलिए क्योंकि भाई साहब ये जो है मतलब जल्दी उग जाते हैं वाटर की वजह से। आपको पता होगा कि भाई बगैर वाटर की भी जो है मतलब ये फार्मिंग की जा सकती है, मतलब कि वाटर के साथ जो है फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से जो है मैं वाटर का इस्तेमाल करता हूँ, और वाटर जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर भाई आपकी जो मतलब आपने देखा होगा कि भाई ये जो मेरे ब्लॉक्स हैं ये बहुत डार्क हुए हुए हैं, भाई ये डार्क इसलिए हुए हैं मतलब इसका ये सिंबल है कि भाई इसके अंदर जो है पानी पहुंचा हुआ है, मतलब पानी है इसके अंदर। अगर भाई डार्क नहीं होंगे तो फिर भाई इसको उगने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको उगने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब अगर मैंने ये सारी लगा दी और मैं जब शुरू में जाके चेक करूँगा जहाँ से मैंने लगाना स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे सारी उग गई होगी, तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई वो सारी उगी हुई है तो नहीं। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, और मैं आपको बताऊंगा ये भी तरीका बताऊंगा कि भाई ये जो आप है बीट एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और भाई ये जो बीट है वो बहुत रेयरली तरीके से मिलती है भाई, मतलब ये मुझे भी अभी मिली है, मैं कब से एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट खेल रहा हूँ मगर मुझे भी अभी मिली है, और ये मिलती है शॉप के अंदर, मतलब आपको शॉप के अंदर ऐसे सीड्स नजर आएंगे, तो भाई कभी इसको मिस नहीं करना यार, बहुत ये जो है रेयर सीड्स होते हैं, और ये बहुत मतलब लकीली मिलते हैं, और मुझे भी लकीली मिले हैं। एक्सप्लोर किया हुआ, और एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में मैंने अगर आपने इग्लू नहीं देखा तो फिर भाई इग्लू की भी मेरे पास वीडियो है, मतलब मैंने इग्लू भी एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में ढूंढा हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, अभी नहीं हुआ इग्लू, मतलब 0.1% चांस होते हैं कि भाई इग्लू जो है दूसरे किसी को मिल जाए, भाई मुझे मिला, मैंने पूरा एक्सप्लोर करा तो अचानक से मेरे पास इग्लू आके खड़ा हो गया, भाई साहब मैंने बोला यार कैसे रियली। और ये भाई मैंने कुछ नहीं बनाया, मतलब ये खुद खुद ही, मतलब अगर एक्सप्लोरेशन का आपने खेला होगा तो आपको ही कभी मिल सकता है ग्लू। मैं नहीं मानता। चेकआउट करो, और जो है हम अभी जो है
वो लगाते हैं सारी बीट पीछे, मतलब ये बीच की जो जगह रह गई थी उसको लगा दे। देखो यार, अब मैं लगाना स्टार्ट भी की और उस साइड की भाई उगना भी स्टार्ट हो गई। मतलब इसके जो है पत्ते होते हैं, अगर पत्ते बड़े हो गए इसका मतलब कि ना ये उग रही है, और जो है नीचे वाइट वाइट सा आ गया तो इसका मतलब है कि ये पूरी उग गई है। तो ये तरीका होता है बीट का लगाने का। तो जल्दी से जो अभी हम कंप्लीट करते हैं। और भाई वीट, आप मेरे कॉइन देख सकते हो भाई, 3 लाख जो हमारे पास कॉइन हो गए, और ये विदाउट हैक के हुए। अगर आपको नहीं देखना कि भाई विदाउट हैक के जो है 4 लाख, 3 लाख, मतलब लाखों में कम कॉइन कैसे करें, तो जल्दी से मेरी वीडियो जाके चेकआउट करो, चैनल पे मौजूद है। हम कॉइन बढ़ा सकते हैं, और वो कॉइन भी मैंने भाई बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा, मतलब पूरा लाइफ प्रूफ के साथ आपको बताया कि भाई कॉइन कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब मेहनत करके बढ़ा सकते हैं। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि भाई हैक लगाओ, ये वो लगाओ, भाई हैक लगाना भाई सही नहीं। जब आप हैक लगाओगे भाई आपका खेलने का थोड़े दिन दिल करेगा, मगर फिर आप बोलोगे यार छोड़ो यार, अब क्या खेलना है इसको। अब विदाउट हैक का किया और भाई मैं अभी तक खेल रहा हूँ, और अभी मेरे पास डायमंड भी जो है 75 है। मतलब मैं डायमंड ऐसे रहता हूँ कि वीडियोस देखता हूँ, एड्स होते हैं ना एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट के, उसमें हमें एक दिन में 1500 जो है डायमंड मिलते हैं। मतलब 1500 कहाँ बोल रहा हूँ यार, 1500। तो जल्दी से जो है अभी हम इसको लगाते हैं। भाई रात भी हो गई है अभी हमारी, और भाई रात रात को भाई काम करने का जो मज़ा है ना भाई साहब, मतलब के बीट भी ग्रो करते रहो, और भाई साहब जो मॉब को भी मारते रहो, और जो मॉब से जो उसका रोटन फ्लैश, मतलब ऐसा ही माइनक्राफ्ट में होता है ना रोटन फ्लैश, वो होता है मतलब उसको मारने से मिलता ना, वो अगर हम शॉप में जाके बेचते तो $500 का बिकता है यार। 500 मतलब बहुत महंगी कीमत है इसकी, इसी वजह से। तो अभी हम जो है जल्दी से इसके अंदर मतलब कि लाते हैं, और भाई साहब मैंने वीडियो रोक दी थी, और जो है मैंने आदत जो है कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बोला था कि भाई मैं आपको यार बताऊंगा यार, मतलब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और अभी अभी और भी बीट लगाने वाला हूँ, मतलब मेरे पास अभी भी बीट ख़त्म नहीं हुई। और अभी आप देख सकते हो मैंने बोला था भाई मैं तो आपको शुरू से बताऊंगा कि भाई शुरू में जो है सारी बीट उग गई। अभी मैंने आपको बताया, अभी मुझे और भी कंप्लीट करना है। और भाई देखो अभी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि भाई आपको, आप हैरान हो जाओगे यार, इतनी जल्दी जो है इसकी बीट उग रही कैसे है यार। को लगाता हूँ यार, मतलब बहुत मज़ा आता है यार फार्मिंग करने में। इसी वजह से जो है मैं एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में फार्मिंग करने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई इसमें जो है पैसा भी है, और भाई बहुत मतलब मज़ा भी आता है, पैसा भी और मज़ा भी आता है। मतलब ये मतलब माइनक्राफ्ट जैसे ये, मगर इसको ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है। और भाई आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई मैं कौन सी और सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ यार, तो कमेंट में जल्दी से बता दो। तो अभी जो है मैं अपने जो है वीट उगाता हूँ यार, मतलब ये ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, वीट उगाने पे अपना ध्यान देता हूँ। और भाई जो है जहाँ पे भी उगने वाली है तो जल्दी से अभी हम कर जल्दी से वीट उगाते हैं और जल्दी से लगाते हैं। जल्दी जल्दी यार लगाते, टैप करोगे ना तो फिर आपके लग जाएगी भी। तो भाई लोग आप जो देख सकते हो, और फाइनली जो मैंने सारी जो है वी बीट लगा दी है भाई, बार बार वीट बीट बीट भाई एक ही है भाई, बीट बीट और वीट के अंदर भाई बहुत डिफरेंस है। बीट ये है और वीट जो पहले मैंने उगाई थी वो है। और भाई साहब आप देख सकते हो भाई कितनी जो है अच्छी जो है हमारी फसल उग गई है। और आपको टैप करना है, टैप करोगे तो फिर आपकी ना मतलब फर्टिलाइज करके, आपको अगर देखना है पूरा फार्मिंग का तरीका तो भाई मेरे चैनल पे जाके मौजूद है, जाके चेकआउट करो। और पैसा देखो यार, मैंने बोला था ना किसी ट्रिक के यार, देखो ट्रिक से देखो यार कैसा, मतलब कितनी जल्दी जल्दी जो हमारी पीट उगी हुई है यार, मतलब सारी उग गई है। अभी मैं अभी तोड़ूंगा नहीं, अगली वीडियो में तोड़ूंगा, अभी इसके लिए स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। और मतलब भाई साहब बहुत अच्छी जो है पीट उगी हुई है, बहुत अच्छी जो हमारी फसल हो गई है। और भाई अभी चेकिंग कर लेते हैं यार, मतलब इसके अंदर कीड़ों वीड़ों का तो सिस्टम नहीं होता है। और भाई साहब मतलब बहुत अच्छी जो है मेरी बीट उग गई है, और भाई साहब इसका लुक आ रहा है ना भाई साहब, देखने में भाई बहुत अमेजिंग सा लगता है यार।
मतलब जो फसलें होती है ना उसको आप ऊपर से देखते हो भाई, बहुत मजा आता है यार। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और जो है अगली वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करो, बहुत अमेजिंग सी वीडियो है यार, वो भी हिंदी में ही है।